उप्स, मैं तो डर गई। इतने सारे वकील्स बैठे, इतने सारे परिवार बात कर रहे हैं केस मुकदमा करने की, मुझे तो डर लग गया। खैर, सॉरी फॉर माय लेट वीडियो, क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं, काफी ज्यादा पूजा पाठ है मेरे घर में और इस वजह से वीडियो थोड़ी सी लेट हो जा रही हैं। ठीक है, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता श्रुत रिएक्शन। यहाँ पे हम आपके फेवरेट ब्लॉगर्स और ट्रेंडिंग कॉन्ट्रोवर्सीज के रिएक्शन लेकर आते रहते हैं। चैनल पे नए हैं तो बता दूं, मेरा नाम अंकिता है और मैं रिएक्शन वीडियोस बनाती हूँ। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाना। तो ये जो 19-20 मिनट का एपिसोड बना था ना, इसमें जान मुझे जरा भी नजर नहीं आया। ठीक है, कुछ लोगों को लगता है कि वो रिएक्शन वालों के खिलाफ FIR कर देंगे और रिएक्शन वाले जेल चले जाएंगे, डिफेमेशन का केस कर देंगे, क्योंकि डिफेमेशन है। सबसे पहली बात तो यार, डिफेमेशन आता ही नहीं है। जो दो वकीलों को आप बिठा के कानून समझवा रहे हैं ना, सारे ऑडियंस वगैरह को, उन वकीलों को भी मुझे लगता है ढंग से कानून आ नहीं रहा है। उन लोगों को मेरे पास ले आइए, मैं उनको लॉ समझाती हूँ कि लॉ एक्चुअली में है क्या। ठीक है, FIR होने से कोई जेल नहीं जाता, और FIR आप कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जितने कांड आपने करे हैं रिएक्शन वालों के खिलाफ, अगर हम आ जाए तो शायद आप जेल चले जाएंगे। क्योंकि आप जो कहते हैं आप लोगों की, हम तो ये बोलते ही नहीं, लोग कहां से निकाल के ले आते हैं, तो हम कहीं से निकाल के नहीं ले आते, ये आपके बच्चे ही हैं जो कमेंट बाजियां करते हैं। जैसे कि आपके बेटे रिस्की का पकड़ा गया झूठ, अब उसपे रिएक्शन वीडियोस आ गए तो आपको दिक्कत है, उसपे भी रिएक्शन वीडियोस ना बने, आपको अपने ऊपर क्रिटिसिज्म झेला नहीं जाता। क्यों? गलती करेंगे सोशल मीडिया पे, आगे अपने कटोरी बर्तन को खनकाएंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट करेंगे और रिएक्शन सुनना नहीं चाहेंगे। व्हाई नॉट, बिल्कुल रिएक्शन मिले। और जो रिएक्शन वालों की फंसाने की बात कर रहा है ना, तो एक मैं भी बताती हूँ कि रिएक्शन वालों के लिए भी लोगों ने गालियां दिलवाई है। अनवी, अनवी रावत, अब तुम्हारा क्या होगा अनवी, इंतजार करो। अनवी भी खुल के बताएंगी, अगर सामने वाला बंदा FIR वगैरह रजिस्टर हो सकता है ना, तो हमारा भी रजिस्टर होगा कि इन लोगों ने भी रिएक्शन वालों के लिए ऐसी ऐसी गालियां, और गालियां तो गालियां, ये तो सोशल मीडिया पे थे, आके यहाँ पे ड्रामे नौटंकियां करते थे, इनके ऊपर हम रिएक्शंस देते थे, लेकिन इन लोगों ने तो हम लोगों के परिवार के पिक्स को लाला के गालियां दिलवाई है। सो कॉल्ड अनवी रावत, जिसका कि परिवार सोशल मीडिया पे भी नहीं था, उनके पिक्स को ढूंढ ढूंढ के सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम से लाला के उनको गालियां दी गई, हम रिएक्शन वालों के खिलाफ अलग अलग तरह की कहानियां बनाई गई। क्या ये डिफेमेशन नहीं है? असली डिफेमेशन तो यहाँ पे बनता है, कोई पब्लिक फिगर है ना, उसको क्रिटिसिज्म झेलना आना चाहिए। क्या बोला था आपने, हाईकोर्ट तक जाएंगे, हाईकोर्ट ने ये बात बोली है, विश्वास नहीं होता तो ये आर्टिकल पढ़िए। जब हाईकोर्ट ने सीएम को एंटरटेन नहीं करा तो आप लोग कौन से खेत की बोली हैं, कौन सी हस्ती है भैया, कौन जानता है आप लोगों को, कोई जानते है क्या? यहाँ पे हाईकोर्ट ने बोला है, आप लोगों को अगर ये पता होगा ना कहानी, तो ये सीएम डिफेमेशन के केस में इनको अंदर करवा रहे थे जेल, लेकिन हाईकोर्ट ने खुद से कह दिया कि हम बिल्कुल भी जेल नहीं कर सकते, हम बेल इसको देंगे, क्योंकि सारे लोग जो पब्लिक फिगर हैं उनको क्रिटिसिज्म झेलना ही पड़ेगा। क्यों झेलना पड़ेगा? क्योंकि आप सोशल मीडिया पे हैं, अगर आप कुछ इस तरीके की चीजें दिखाते हैं तो आपके ऊपर रिएक्शन बनेगा, और रिएक्शन वीडियोस बनने ही बनने हैं। और अगर आप हर तरह के यूट्यूबर्स को जेल करवाएंगे तो कितने यूट्यूबर्स को जेल करवाएंगे? लगभग मुझे लगता है 60-70% यूट्यूबर्स तो जेल में हवा खाने लग जाएंगे। तो जो हाई कोर्ट एक सीएम को एंटरटेन नहीं किया, सीएम के ऊपर सीएम ने जो लगाए चीजें उसको एंटरटेन नहीं किया, और इस चीज के लिए ठप्पा लगा दिया कि अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, फिर आप लोग कैसे किसी को जेल करवा सकते हैं? क्योंकि आप लोग तो खुद ही सोशल मीडिया पे आके ड्रामा नौटंकियां करते रहते हैं। अगर वो वकील हम पे डिफेमेशन का केस लगाएगा ना, तो हम आपके ऐसे ऐसे वीडियोस दिखा देंगे जिसपे आप ही के ऊपर उल्टा केस हो जाएगा। और हाँ, कुछ बातें तो और हमें बतानी रह गई हैं कि ये गाली वाला चैनल बनवाया कौन है, इसका भी डिटेल्स तो निकल ही चुका है, और इसके भी सारे इन्फॉर्मेशन हम भी दे देंगे अपने अपने वकीलों को, सो कॉल्ड है ना, साइबर सेल में, दुनिया जहान में। ये कहते हैं कि ये लोग आग लगा रहे हैं घर में, हम लोगों को ऐसे ऐसे बोलते हैं, हमने जो बोला भी नहीं होता। अब ये सारे कॉमेंट्स पढ़िए, अब ये सारे कॉमेंट्स जब खुद सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, तो क्या इस पे रिएक्शंस नहीं बनेंगे?
हम तो कमेंट्स पढ़ के ही रिएक्शन बनाते हैं। आप लोगों को कंट्रोवर्सी करनी है क्योंकि आप लोगों को डॉलर्स की कमी पड़ रही है, डॉलर्स कमाने का चस्का हो गया है ना। और इस पे जब लग रहा है कि हम डिफेम हो रहे हैं, हमें कोलैब कम हो रहा है, अरे अगर हम रिएक्शन ना भी देना तो आप लोगों की ऐसी हरकतें हैं कि सब लोग आप लोगों से वाकिफ है। ऐसा कोई भी एक कमेंट ढूंढ के दिखा दो जो आप लोगों के फेवर में आता है। हमारे चैनल पे तो कभी नहीं आता आप लोगों के फेवर में कोई भी किसी भी तरह का कमेंट। और उससे भी ज्यादा अगर कुछ लोगों को लगता है कि वो हमें FIR करवाएंगे, डिफेमेशन करवाएंगे, तो और उनको बता दूं कि ये जो फेक IDs है ना, इनकी भी बहुत सारी डिटेल्स निकल कर आई हैं और इनकी बहुत सारे IP एड्रेसेस ट्रेस हुए हैं। तो सबसे पहले जेल हम लोग नहीं जाने वाले, जेल तो जाने वाले हैं वो लोग जो ये फेक IDs बनवा रहे हैं, जो ये सारे धंधे करवा रहे हैं। बड़ा मजा आ रहा था ना दूसरे के ऊपर गाली गलौज करवाने में, फेक IDs से कमेंट करवाने में, अपने ही बेटी बहुओं को और बेटों को इस तरीके से हेट कमेंट्स दिलवाने में। लेकिन जब अपने ही ऊपर हेट कमेंट्स आ जाते हैं तो मिर्ची लगने लग जाती है ना, और दूसरे के ऊपर करवाओ इतना सारा गैंग भर का फेक IDs बनवा के तो बड़ा मजा आता है। तो अब आप लोग डिसाइड करिए कि जेल पहले जाएगा कौन, आप लोग या हम लोग। और ये रिस्की इतना गिरा हुआ इंसान है, लक्ष्मण मैं नहीं लूंगी। मेरे बहुत सारे ऑडियंस थे ना, मेरे को कमेंट कर दिया कि इसको लक्ष्मण बोल के लक्ष्मण जी का नाम मत बदनाम करो। तो अब से ये रिस्की रहेगा, रिस्की। ये इनके जो घिनौने काम है, एक तो खुद अपनी पोलम पट्टियां खोलते हैं सामने जनता के, फेक IDs बनाते हैं, क्या ये जेल नहीं जाएंगे? इनका तो IP एड्रेस भी ट्रेस हो जाएगा, कितनी बार किसने कितना नाम बदला है IDs का, और कितने IDs वापस आए हैं, कितने IDs डिलीट हुए, इन सब के डेटास भी मिल जाते हैं ना। अगर रिस्की को लगता है कि ये डरा लेंगे हमें, तो भैया तुम मेरे से 4-5 साल छोटे हो, ठीक है, तुमसे 4-5 साल ज्यादा मेरा तजुर्बा है और तुमसे ज्यादा लॉ आती है मेरे को, तो मेरे से पंगा मत लेना। मैं बहुत पहले से बोलती आई हूं कि मैं किसी को पोक नहीं करती। हमने रिएक्शन छोड़ दिया था, रिएक्शन एकदम छोड़ दिया था, मतलब इसके बाद भी मिर्ची क्यों लग रही है? क्योंकि हम लखन और नीतू के बारे में तारीफें कर देते हैं, इसलिए, क्योंकि रिएक्शंस तो हम दे नहीं रहे थे। तब इसका मतलब साफ है ना कि तुम लखन और नीतू के बारे में बोलो मत, एकदम नहीं, उनका सोशल मीडिया एकदम खत्म हो जाना चाहिए। तो कहते हैं ना, दूसरे का बुरा चाहने वाले का खुद ही भगवान बुरा करते हैं। अब जिससे पॉजिटिव वाइब्स आएगी ऑब्वियसली उसको ऑडियंस सपोर्ट करेगी, और जिससे नेगेटिव वाइब्स आएगी ना उसको ऑडियंस ऑब्वियसली डिफेम करेगी ही करेगी। और यहाँ पे रिस्की और सो कॉल्ड टॉफिक एंडी का यही इंटेंशन है कि कैसे लखन को उसके जायदाद से बेदखल कर दिया जाए, कैसे माँ बाप से अलग कर दिया जाए, है ना। और उस पर जब हेट कॉमेंट्स मिलने लगते हैं तो ये लोग माँ बाप के ऊपर डाल देते हैं कि पापा मम्मी देखो आप लोगों के लिए हेट कॉमेंट्स मिल रहा है, बट असल में पापा मम्मी के लिए हेट कॉमेंट्स नहीं मिल रहे, मिल रहे तुम जैसे भाई के लिए, मिल रहे तुम जैसे भाभियों के लिए, कि किसी सौतेले को भी ना मिले, किसी दुश्मनों को भी ना मिले, तुम जैसे लोग जो अपने ही घर के परिवार को अलग करना चाहते हो, लड़ाई करना चाहते हो, सारे जायदाद को अकेले हड़पना चाहते हो। लेकिन रिस्की तुमको बता दूं, तुम्हारी भाभी इतनी सीधी ना है, वो तुमको भी अलग करेगी, फिलहाल अपने फायदे में तुमको मिला के रखी है अपने पास। डिफेमेशन का केस अगर हो जाए तो करो करो, मैं भी इसी दुनिया में हूँ, यहीं पर हूँ, और आप भी इसी दुनिया में यहीं पर है। देखते हैं कौन ज्यादा बाजी मारता है। आपके पास अगर हमारे लिए 2 प्रूफ होंगे तो हमारे पास आपके लिए 10-10 प्रूफ्स हैं। करके दिखाइए कितने FIR और डिफेमेशन का केस आप कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाना।